अंदर जूता भाग रहा बढ़िया। राम राम जी। और क्या आवाज आ रही है? आ गई कि वैसी वक्त कट रहा है। अरे इस हफ्ते पता है मैंने यहाँ पर वो जापान में बोल रहे झुग्गी झोपड़ी चलम वो वाला एरिया देखा, वहाँ भर रहे यार कतई होमलेस ही होमलेस। भाई पूरे जापान में सबसे ज्यादा डेंजरस एरिया माना जाता है वो। प्रॉपर्टी डीलर ना वहाँ मकान लेने से मना कर देते हैं। पूरे ओसाका में ना वो एरिया सेफ्टी में सबसे ज्यादा लोवेस्ट रैंकिंग पे आता है, और वहाँ पर ना चोरी चकारी लड़ाई झगड़े भी काफी ज्यादा होते रहते हैं। और पूरे जापान का सबसे बड़ा और सबसे फेमस प्रोस्टिट्यूशन का ना एरिया भी वहीं पर ही है, तो वहां पर ना क्राइम की संभावना भी ज्यादा है यार। वैसे तो जापान पूरा बहुत खूबसूरत है, फेस्टिवल वगैरह फुल होते रहते हैं। अपना घर चला जाऊंगा। अरे इस सर्दी सर्दी में मेरा ऑफिस में गाड़ी की दिक्कत नहीं है, तो मैं बढ़ा सकता हूँ सर्दी सर्दी, तो बढ़ा भी रहा हूँ। अरे यार कल बहन से बात हुई, वो कह रही कटवा इसको, क्या ऐसा लग रहा है। पर मेरा मन है रखने का, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। लाइट पैट लग के एकदम फुल क्रिसमस की तैयारी चल रही है। बर्तन निपटा हूँ यार पहले मेरे, इधर वहां के ना दो तीन चक्कर लग गए, तो वही वाली बात है जैसे कि भाई मान सरकेश्वर सर्किट जी ने कहा है ना कि जब अंग्रेज या जापानी हमारे इंडिया जाते हैं। I start एकदम No, I want real India. Poor people, hungry people. यहाँ का नूडल, तुम लोग सारा भारगांव से आते हैं, तो तुम लोग यहाँ खाली भूखे नंगे दिखा देते क्या? You don't see ताजमहल, ताजमहल? No, no, hungry and poor man. आये दिल्ली चलेगा? तो उन्हें पुअर हंग्री डर्ट इंडिया देखना होता, कोई गुड़गांव मुंबई फाइव स्टार ताजमहल दिखाओ तो ना उन्हें मजा नहीं आता। वैसे मैंने जापान में ढूंढ रही ओसाका में, वहाँ पे दुनिया भर की झुग्गी झोपड़ी होमलेस होमलेस सब है सारा। सबसे शॉकिंग था यार वहाँ पर ना वेंडिंग मशीन बड़ी सस्ती थी। वैसे कॉफी आती है 130-150, यानी कि यहाँ तो नॉर्मल सारे आइटम 100 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
शक्ति पहली बार देखी मैंने अपनी आंखों से। सबसे सस्ता वो भी भाई कतई गर्मा गर्म। नॉर्मल कॉफी है यार, बढ़िया एकदम। अरे वहां रोड के साइड पे यार लाइन से झुगियां लगी पड़ी हैं, कचरा वचरा सब वहीं पड़ा है। गरीब जापानी जैसे तैसे वहां अपना कर रहे हैं गुजारा। यही भाई फक जापान लिख रखा है यार, पब्लिक सरकार से दुखी तो यहाँ पर भी हो रही है। जो ये सेम कॉफी मैंने 60 yen की पी थी, यहाँ 50 yen की मिल रही है, इतनी सस्ती होनी हो तो मेरे मुँह तले लिकड़ की। वो सबसे सस्ती नहीं थी जापान की, ये वाली सबसे ज्यादा सस्ती 50 yen में। यार साइकिल में हवा भरने वाला भी 50 yen से ज्यादा लेता है। दुनिया सारा कचरा अपना यहीं फेंक के चली जाती है, और जिन जैसे यहाँ होमलेस ज़्यादा है ना, जिन्हें सामान चाहिए वही है, तो यहाँ से उठा के अपना काम चला लेते हैं। और वैसे यहाँ पर वो सेंटर है जो रिसाइकिल वाला रहता है ना, ऐसे रोडों पर यहीं होता है, कहीं और नहीं होता। ये भाई फ्रिज वॉशिंग मशीन लाइन तेल लगी पड़ी है एकदम, पर है सारा कबाड़ ही। इस जगह को ना जापान में सबसे ज़्यादा डेंजरस माना जाता है, मतलब जापान ओसाका के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा स्लम है ना, और यहाँ पर होमलेस बहुत ज़्यादा, चोरी चकारी होती है। अब जीने सर्वाइवल के लिए तो कोई ना कोई छीनम झपटी कर ही लेता है, तो मुझे वही लग रहा है वैसा सीन है चांदनी चौक जा सिस्टम, कुछ हट्टा मार के जेब कतरा से लेके भगना जाए मेरा फोन फान।
ये एक और दारू की वेंडिंग मशीन लाइन तो लग रही है, बियर वाली है, हाईबॉल स्ट्रॉन्ग जीरो, ये जापान में बहुत फेमस है, ये कर देती है काम खराब। ये जापानी साके, ये टूट रही दिख है ये तो। ये बढ़िया सिस्टम है, दारू की लग रही है वेंडिंग मशीन, पानी सस्ता मिल ही जाता है, अपना मिलाओ और अपना मौज लो। अंधेरी गलियों का सिस्टम है, कौन सी गली में क्या चल रहा कुछ नहीं पता। अरे यहाँ पर एक दुकान है, ग्योजा बोलते हैं, जापानीज मोमोस टाइप रहता है, उसकी वेंडिंग मशीन है ये। यहाँ पैसे डालो, जौन सा चाहिए बटन दबाओ और यहाँ से ले लो। ये है ना, जैसे 46 पीस है 1000 येन के, 25 पीस है 650 के, अलग अलग टाइप के वो लगा रखे हैं। ओ ये मेरी वो आ रही फोटो। तो वो सब तो ठीक है, हर जगह कैमरे लग रहे हैं, कैमरा 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 कैमरा। एक और चीज दिखाओ टॉप की, ओनली अलाइव वॉन्टेड, ओनली अलाइव 46 पीस। तो बूढ़े चाचा ने क्या करा वहां पर, 46 वाला पैकेट लेके साफ गया, 1000 येन दिए नहीं और भाग लिया वहां से। और देख के लग ही रहा था थोड़ा होमलेस टाइप सही होगा, नहीं तो चोरी चकारी क्यों करेगा, भूख लग रही होगी। तो भाई 1000 येन की हेरा फेरी के चक्कर में उसका नाम वॉन्टेड की लिस्ट में आ गया। कानून की सख्ताई देख रहे जनाब यहाँ पर, 1000 येन भी अगर चोरी करोगे तो वॉन्टेड की लिस्ट में भर्ती हो जाओगे। अरे जो गर्ल्स बार वाला सिस्टम रहता है ना, पीओ मतलब लड़कियां वड़कियां होती हैं उनके साथ पीओ भी हो और गाना वाना गा सकते हैं कराओके जैसे पूरा। एज ग्रुप भी होता है, किसी में जवान रहती है, किसी में मिडल एज रहती है, 30 से 40, किसी में 50 ऊपर, जिसको जैसे भी जाना जिसका जैसे मन लगता है वैसे कर लो। पी पा ली अंदर तो पुलिस बुला ली, अंदर जूता भाग रहा बढ़िया। अरे वहां ना दीवारों पे यार बड़ा बड़ा वैसे लिखी हुई थी वार्निंग टाइप की, वो था कि इजा कायदे खक्से इजायो कुरुना, इसका मतलब होता है कि ये जो पीने वीने की जगह बनी हुई है ना, आते वाते टाइप और गर्ल्स बार टाइप, इनमें नशीली पदार्थ, नशे की गोलियां, नशे की पुड़िया वड़ी जो भी रहती है इसे बेचो मत। इसे सस्ता भी है, 1600 येन का, 1600 येन का होटल यार, ये तो लव होटल से 3 गुना ज्यादा सस्ता है। इंटरनेट के कैफे वहां पर भी रात को रुक जाते हैं, यहाँ पर उससे भी ज्यादा सस्ता है। आई वाह, 1 महीने का 48,000 येन, 48,000 येन यार मेरे रेंट से सस्ता है होटल का कमरा। सेफ्टी की और मैंने कमरा तो देखा नहीं, वो नहीं पता, पर सस्ता तो है। वो ये ना, वो एरिया वैसा है ना, तो वहां सारी चीजें होती हैं। खत्म, निमट के सारे काम, खाना और बनाना है। एनीवेज भाई, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना, भगवान कसम कलेजे तो थैंक यू है यार, और जो नहीं कर रखा आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे, राम राम।